हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सोनू कॉम्पिटिशन क्लासेस के ऊपर। सो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं चित्तौड़गढ़ दुर्ग की। आज हम देखेंगे चित्तौड़गढ़ दुर्ग के ऊपर, इसके ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है वो कहाँ पे है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग है चित्तौड़गढ़ के अंदर, ठीक है। और ये एक गिरी दुर्ग है, ठीक है। इसकी जो श्रेणी है वो कौन सी है? गिरी श्रेणी है, जो मेशा पठार के ऊपर, ये चित्रकूट की पहाड़ी के ऊपर बना हुआ है। इसलिए इसका जो प्राचीन नाम है या इसका उपनाम, अन्य नाम है वो क्या है, इसको चित्रकूट दुर्ग भी इसको बोलते हैं, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है इसका निर्माणकर्ता कौन है, इसकी श्रेणियाँ कौन कौन सी है, इसके दार्शनिक स्थल कौन कौन से हैं, एंड हम क्या देखेंगे इसके ऊपर युद्ध, यानी कि इसके ऊपर आक्रमण कौन कौन किस किस के द्वारा किए गए थे, यानी कि जो इसकी प्रमुख प्रमुख बातें हैं उसके उनके ऊपर हम आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ओके गाइस, तो देखिए आज हम किसके ऊपर बात करेंगे, चित्तौड़गढ़ दुर्ग के ऊपर। जो कहाँ पे पड़ता है? चित्तौड़गढ़ के अंदर, चित्तौड़गढ़ के अंदर ये दुर्ग है। और इस दुर्ग के बारे में एक खास कहावत भी कही गई है, वो क्या कहा गया है कि गढ़ तो है चित्तौड़, गढ़ तो है चित्तौड़। बाकी सब क्या है? बाकी सब गढ़ैया है। तो इसके अंदर ये खास बात कही गई है कि गढ़ तो है चित्तौड़, बाकी सब गढ़ैया है। ओके गाइस, तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग, अभी हम देखेंगे चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण किसके द्वारा किया गया था। तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग का जो निर्माणकर्ता है वो कौन है? इसका जो निर्माणकर्ता है वो है चित्रागत मौर्य। चित्रागत मौर्य के द्वारा इस दुर्ग का निर्माण किया गया था, जो एक मौर्य शासक है, ठीक है। अभी हम देखेंगे चित्तौड़गढ़ दुर्ग की श्रेणी। तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग की श्रेणी कौन कौन सी है? यह आता है गिरी दुर्ग के अंदर, एरन दुर्ग के अंदर। गिरी दुर्ग में क्यों आता है? क्योंकि जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है वो पर्वत के ऊपर बना हुआ है, यानी कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर जो मेशा पठार है, ठीक है, ये क्या है? मेशा पठार। इसके ऊपर एक जो पहाड़ी बनी हुई है, चित्रकूट पहाड़ी जिसको बोलते हैं, चित्रकूट पहाड़ी, उसके ऊपर ये दुर्ग बना हुआ है, ठीक है। तो ध्यान में रखना, जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है वो मेशा पठार के ऊपर, चित्रकूट पहाड़ी के ऊपर बना हुआ है, ठीक है। जो मुख्य बात है वो तो ये ध्यान में रखनी है कि मेशा पठार के ऊपर चित्तौड़गढ़ के अंदर ये दुर्ग बना हुआ है। तो ये कौन सी श्रेणी में आता है? गिरी श्रेणी के अंदर आता है, ठीक है। फिर ये एरन दुर्ग की श्रेणी में भी आता है, क्योंकि इस दुर्ग के जो चारों ओर है वो कटीले रास्ते हैं, ठीक है। फिर ये वन दुर्ग की श्रेणी में भी आता है। और दूसरा, ये जो दुर्ग है वो किस श्रेणी के अंदर आता है? गिरी श्रेणी के अंदर आता है, एरन श्रेणी के अंदर आता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग गिरी श्रेणी के अंदर और एरन श्रेणी के अंदर आता है, और इसका जो निर्माण करता है वो चित्रागत मौर्य के द्वारा इस दुर्ग का निर्माण किया गया था, ठीक है। अभी इस दुर्ग की हम क्षेत्रफल की बात करें, तो इस दुर्ग का जो क्षेत्रफल है वो कितना है? ये राजस्थान का सबसे बड़ा, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा दुर्ग माना जाता है, ठीक है। तो इसका जो क्षेत्रफल है वो कितना है? 27.5 किलोमीटर स्क्वायर, ये इसका क्षेत्रफल है, किसका? चित्तौड़गढ़ दुर्ग का। और राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से ये सबसे बड़ा दुर्ग है। बड़ा दुर्ग है, ठीक है। इसका क्षेत्रफल है 27.5 किलोमीटर स्क्वायर। बात करें इसकी लंबाई की,
तो इसकी लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई है 8 किलोमीटर। 8 किलोमीटर के अंदर इसकी लंबाई है, और इसकी जो चौड़ाई है वो कितनी है? इस दुर्ग की चौड़ाई है 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर के अंदर ये दुर्ग फैला हुआ है। तो इसका क्षेत्रफल हो गया 27.5 किलोमीटर स्क्वायर, इसकी लंबाई है 8 किलोमीटर, और इसकी जो चौड़ाई है वो है 2 किलोमीटर। ठीक है, अभी हम देखें इसकी ऊंचाई। तो इस दुर्ग की ऊंचाई कितनी है? 1850 फीट इसकी ऊंचाई है, वो भी किससे? समुद्र तल से। ठीक है, समुद्र तल से इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है? 1850 फीट। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा दुर्ग है वो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है। इसकी जो इसका जो क्षेत्रफल है वो है 27.5 किलोमीटर स्क्वायर, इसकी जो लंबाई है वो है 8 किलोमीटर, और इसकी चौड़ाई कितनी है? 2 किलोमीटर, और इसकी ऊंचाई है 1850 फीट, जो समुद्र तल से है। ठीक है, इसके निर्माण करता है चित्रागत मौर्य के द्वारा इस दुर्ग का निर्माण किया गया था। और ये जो दुर्ग है वो गिरी श्रेणी के अंदर और अरण श्रेणी के अंदर आता है। ये जो दुर्ग है वो किस पे है? मेषा पठार के ऊपर, चित्रकूट पहाड़ी के ऊपर बना हुआ है, इसलिए इस दुर्ग को क्या कहा, इसका जो उपनाम है वो चित्रकूट भी इसको बोला जाता है, चित्रकूट दुर्ग। ठीक है, देखते हम नेक्स्ट इसके उपनाम के बारे में। ठीक है, अभी चित्तौड़गढ़ दुर्ग है इसको किन किन उपनामों से जाना जाता है? दुर्ग के उपनाम, इस दुर्ग के जो उपनाम आते हैं वो कौन कौन से हैं? चित्तौड़गढ़ दुर्ग को चित्रकूट दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। चलो मैं वैसे लिख देती हूँ, सपोज दैट ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग है। ठीक है, तो एक इसको किस नाम से जाना जाता है? चित्रकूट दुर्ग के नाम से भी इसको जाना जाता है। फिर दूसरा, इसको राजस्थान के गौरव के नाम से जाना जाता है। राजस्थान का गौरव भी इस दुर्ग को कहा जाता है। फिर तीसरा आता है, इस दुर्ग को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसे दुर्गों का सिरमौर, दुर्गों का सिरमौर के नाम से भी इस दुर्ग को जाना जाता है। ठीक है, चित्रकूट के नाम से जाना जाता है, राजस्थान का गौरव के नाम से जाना जाता है, दुर्गों के सिरमौर के नाम से जाना जाता है, और नेक्स्ट जो आता है इसे त्याग और बलिदान त्याग शौर्य और बलिदान बलिदान के दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है का दुर्ग। क्या होगा? त्याग शौर्य और बलिदान का दुर्ग भी चित्तौड़गढ़ दुर्ग को कहा जाता है। फिर दूसरा, इसको दुर्गों की तीर्थस्थली भी कहा जाता है, क्योंकि इसके बारे में कहा जाता है कि अगर आपने चित्तौड़गढ़ दुर्ग की शेयर नहीं की, यानी कि आपने किसी भी दुर्गों की शेयर नहीं की है, और अगर आपने चित्तौड़गढ़ दुर्ग को देख लिया, चित्तौड़गढ़ दुर्ग की शेयर कर ली, तो मान के चलो आपने सभी दुर्गों की क्या कर ली? शेयर कर ली। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? दुर्गों की तीर्थस्थली भी कहा जाता है। फिर कर्नल जेम्स टोड ने इसे लिविंग फोर्ट का भी नाम दिया है। ठीक है, राजस्थान का लिविंग फोर्ट, लिविंग फोर्ट यानी कि रहने योग्य। ठीक है, राजस्थान का लिविंग फोर्ट।
लिविंग फोर्ट भी इस दुर्ग को कहा जाता है। तो ध्यान में रखना, और क्या क्या कहा जाता है इसको, दुर्गों की तीर्थस्थली भी कहा जाता है। फिर दूसरा, इसको कहा जाता है राजस्थान का दक्षिणी सीमा का प्रहरी, दक्षिणी सीमा का प्रहरी भी इस दुर्ग को कहा जाता है। तो ये जो दुर्ग है वो कहाँ पे है, दक्षिण के अंदर ही तो है, तो इसलिए इसको दक्षिणी सीमा का प्रहरी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है मालवा का प्रवेश द्वार। मालवा कहाँ पे पड़ता है, एमपी के अंदर है। तो जो मालवा से जो लोग आते थे, यानी कि जो शासक आते थे, वो कहाँ से आते थे, चित्तौड़गढ़ दुर्ग के पास से आते थे। और जो अगर मालवा का आक्रमण होता था वो भी चित्तौड़गढ़ दुर्ग के ऊपर ही सबसे पहले होता था, यानी कि मालवा का प्रवेश द्वार भी इस दुर्ग को कहा जाता है। जो मालवा है वो एमपी के अंदर है, यानी कि राजस्थान और एमपी की सीमा के टच में है। ठीक है, तो मालवा का प्रवेश द्वार। फिर दूसरा, इसको कहा जाता है दक्षिणी पूर्वी सीमा का दक्षिणी पूर्वी सीमा द्वार, प्रवेश द्वार भी इसको कहा जाता है। और सबसे मुख्य जो एक और है, वो जो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा इसका नामकरण किया गया था, वो क्या है, खिजराबाद। जब अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा इस दुर्ग के ऊपर आक्रमण किया गया था, ठीक है, जो अलाउद्दीन खिलजी थे उन्होंने इस दुर्ग के ऊपर आक्रमण किया था, और इस दुर्ग को जीतने के बाद उन्होंने क्या किया, चित्तौड़गढ़ दुर्ग का नाम हटाकर इसका नाम क्या कर दिया गया, खिजराबाद कर दिया गया। क्योंकि इन्होंने इस दुर्ग के ऊपर आक्रमण किया, और जब इसके ऊपर अधिकार हो गया तो इन्होंने अपने पुत्र खिज्र खां को यहां का शासक नियुक्त किया, और इसका नाम क्या रख दिया गया, खिजराबाद। ठीक है, तो ये जो सभी नाम मैंने आपको नोट लिखवाए हैं वो आपको नोट कर लेना है। तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग को कौन क्या क्या कहा जाता है, इसको राजस्थान का लिविंग फोर्ट भी कहा जाता है, यानी कि रहने योग्य स्थान। ठीक है, और दूसरा, इसको राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी सीमा का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है, दक्षिणी सीमा का प्रहरी भी इसको कहा जाता है, फिर इसको खिजराबाद भी कहा जाता है, जो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा इसको नाम दिया गया था, और अपने जो पुत्र था खिज्र खां उसको यहाँ का शासक नियुक्त किया गया था। ठीक है, फिर इसको दुर्गों का सिरमौर भी कहा जाता है, राजस्थान का गौरव भी इस दुर्ग को कहा जाता है, और इसको त्याग शौर्य और बलिदान की भूमि या फिर बलिदान का दुर्ग भी इसको कहा जाता है। ठीक है, और इसको दुर्गों की तीर्थ स्थली भी कहा जाता है, यानी कि अगर हमने चित्तौड़गढ़ दुर्ग का की शेयर कर ली या यहाँ पे घूम के आते हैं, तो हमें कहीं पे भी किसी भी दुर्ग में जाने की आवश्यकता नहीं रहती है, इतना शानदार इस दुर्ग को बताया है। ठीक है, फिर राजस्थान का गौरव हो गया चित्रकूट, चित्रकूट की पहाड़ी के ऊपर है, मेशा पठार के ऊपर, तो चित्रकूट भी इस दुर्ग को कहा जाता है। तो क्लियर हुए यहाँ पे जो चित्तौड़गढ़ के मैंने उपनाम बताए हैं, ठीक है, तो वो आपको क्या करना है, नोट कर लेने हैं। ओके गाइज, तो अभी हम देखेंगे जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है उसके बारे में कर्नल जेम्स टोड ने कहा था। कर्नल जेम्स टोड ने क्या कहा था, कर्नल जेम्स टोड का कहता है कि जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है इसके ऊपर सबसे पहले बप्पा रावल के द्वारा मानमोरी को पराजित किया गया था, और 734 ईस्वी में चित्तौड़गढ़ दुर्ग को बप्पा रावल ने सबसे पहले जीता था। तो जो कर्नल जेम्स टोड है, इसका क्या कथन है कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग पे सबसे पहले अधिकार किसने किया था, बप्पा रावल ने किया था। तो 734 ईस्वी के अंदर ईस्वी में बप्पा रावल ने गुहिल वंशी था, बप्पा रावल ने मानमोरी को पराजित करके इस दुर्ग के ऊपर अधिकार किया था, या इस दुर्ग को जीता था। हाँ,
था सबसे पहले, ठीक है, 734 ईस्वी के अंदर बप्पा रावल ने मानमोरी को पराजित करके इस दुर्ग के ऊपर आक्रमण, सॉरी, इस दुर्ग के ऊपर अधिकार किया था। तो ये कथन किसका है? ये कथन है कर्नल जेम्सटोड का। किंतु इसके विपरीत आते हैं दशरथ शर्मा, दशरथ शर्मा, इनका क्या कथन है? इनका कथन है जैसे इसके विपरीत दशरथ शर्मा का कथन है। दशरथ शर्मा का क्या कथन है कि दशरथ शर्मा का कथन है, दशरथ शर्मा ने कहा था कि कर्नल जेम्सटोड ने क्या कहा था कि 734 ईस्वी में बप्पा रावल ने मानमोरी को पराजित करके इस दुर्ग को जीता था। और जो दशरथ शर्मा, इन्होंने कहा था कि जो जेत्र सिंह है, जेत्र सिंह ने परमारों को पराजित करके इस दुर्ग को सर्वप्रथम जीता था। तो आपको ध्यान में रखना है कर्नल जेम्सटोड के क्या कथन है कि 734 ईस्वी के अंदर बप्पा रावल ने मानमोरी को पराजित करके इस दुर्ग के ऊपर विजय प्राप्त की थी। और जो दशरथ शर्मा, इनका कथन है कि जेत्र सिंह ने परमारों को पराजित करके इस दुर्ग के ऊपर अधिकार किया था सर्वप्रथम, ठीक है। और जो जेत्र सिंह है, इन्होंने ही इस दुर्ग के जो चारों तरफ क्या बनाया था, जेत्र सिंह ने इस दुर्ग के चारों तरफ दीवार बनाई थी, परकोटे बनाए थे। दीवारों का निर्माण करवाया। ठीक है, तो ये आपको कथन क्या है ध्यान में रखने हैं। तो जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है, एक इसको पारिक दुर्ग के श्रेणी में भी आता है क्योंकि इसके चारों तरफ क्या है, परकोटे हैं। और इन इन परकोटों का यानी कि इन दीवारों का जो निर्माण है वो जेत्र सिंह के द्वारा करवाया गया था। तो एक श्रेणी इसकी कौन सी हो गई, पारिक दुर्ग की श्रेणी, यानी कि जिस दुर्ग के चारों तरफ ऊंची ऊंची दीवारें हों उसको क्या कहते हैं, पारिक दुर्ग की उस दुर्ग कहते हैं, या पारिक दुर्ग की श्रेणी में उस दुर्ग को रखा जाता है। ठीक है, तो ध्यान में रखना है इस चीज़ को। अभी हम देखेंगे जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है इसकी अन्य विशेषताएं, ठीक है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग की अन्य विशेषताएं कौन कौन सी है, यानी कि अगर किसी भी दुर्ग, हर एक दुर्ग की, पहली बात तो हर एक दुर्ग की क्या होती है, अन्य विशेषताएं होती है, ठीक है, उसमें कुछ खास बात होती है। और इस दुर्ग की भी अन्य विशेषता क्या है, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये नहीं पूछा जाएगा कि इसकी अन्य विशेषता क्या है, इसमें कुछ जो उसकी अन्य विशेषता होंगी वो दी जाएगी और फिर आपसे पूछा जाएगा कि इसकी अन्य, ये किस किस दुर्ग की विशेषता है, ठीक है। तो इसकी जो विशेषता है वो कौन सी है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग की एक विशेषता ये है कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग एकमात्र ऐसा दुर्ग है जिसके अंदर क्या की जाती है, खेती की जाती है, ठीक है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग राजस्थान का एकमात्र ऐसा दुर्ग है जिसमें खेती की जाती है। तो पहली विशेषता क्या हो गई, राजस्थान का एकमात्र ऐसा दुर्ग जिसमें रहने के साथ साथ खेती भी की जाती है। तो ये क्या है, इसकी अन्य विशेषता है। तो आपको ये जो लाइन्स है, ये जो टॉपिक ये दे दे कि राजस्थान का एकमात्र ऐसा दुर्ग कौन सा है जिसमें खेती भी की जाती है, तो वो कौन सा है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग है, ठीक है। इसकी जो नेक्स्ट विशेषता है वो क्या है, ये जो दुर्ग है वो किसके सम्मान है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग
वेल मछली की आकृति के समान है। ठीक है, तो ये इसकी मुख्य या फिर अन्य विशेषताएं हो गई कि राजस्थान का एकमात्र ऐसा दुर्ग जिसमें खेती भी की जाती है, तो वो कौन सा हो गया, चित्तौड़गढ़ दुर्ग है। और चित्तौड़गढ़ दुर्ग वेहल मछली की आकृति के समान है। क्लियर। तो अभी हम देखते हैं चित्तौड़गढ़ दुर्ग के ऊपर प्रारंभिक आक्रमण किन किन के द्वारा किए गए थे। तो अभी क्या हम क्या देखेंगे, चित्तौड़गढ़ पर प्रारंभिक आक्रमण। तो इस दुर्ग के अंदर जो प्रारंभिक आक्रमण हुए थे, पहला आक्रमण हुआ था अफगानिस्तान के, तो इस दुर्ग के ऊपर जो पहला आक्रमण हुआ था वो हुआ था अफगानिस्तान के माम सूबेदारों के द्वारा, माम के सूबेदारों के द्वारा इस पे आक्रमण किया गया था। जो कब किया था, सन 8वीं शताब्दी के अंदर किया था। ये आक्रमण किया गया था अफगानिस्तान के माम के सूबेदारों के द्वारा, इसके ऊपर आक्रमण किया गया था। फिर देखेंगे दूसरा आक्रमण, जो दूसरा आक्रमण है वो कौन सा है, परमार भोज के द्वारा किया गया था। जो परमार भोज का जो शासक था, परमार भोज, भोज के द्वारा इस पर आक्रमण किया गया था। फिर जो नेक्स्ट जो आक्रमण आता है वो कौन सा है, तीसरा आक्रमण हुआ था चालुक्य शासक थे, चालुक्य शासकों के द्वारा भी इसके ऊपर आक्रमण किया गया था। फिर हमारा चौथा आता है नाडोल के शासकों के द्वारा, पहला हुआ इसके ऊपर अफगानिस्तान के माम के सूबेदारों के द्वारा इस पर आक्रमण किया गया था आठवीं शताब्दी के अंदर इसके ऊपर आक्रमण किया गया था। फिर जो दूसरा आक्रमण था वो था परमार भोज के द्वारा आक्रमण किया गया था, ये शासक है परमार भोज, इसके द्वारा आक्रमण किया गया था। तीसरा आक्रमण हुआ था चालुक्य के शासकों के द्वारा, और चौथा इसके ऊपर आक्रमण किया था नाडोल के शासकों ने। ठीक है, तो ये इसके ऊपर आक्रमण किए गए थे। ओके गाइज, नेक्स्ट वीडियो जो हमारा होगा वो चित्तौड़गढ़ दुर्ग से संबंधित होगा, जिसके अंदर हम देखेंगे इसके दार्शनिक स्थल, ठीक है, और चित्तौड़गढ़ दुर्ग का जो पुनर्निर्माण किया गया था महाराणा कुंभा के द्वारा, उन्होंने कौन कौन से इसके अंदर दुर्ग बनवाए थे, कौन कौन से दार्शनिक स्थल बनवाए थे वो भी हम देखेंगे, इसके अंदर शाखे कितने हुए थे, शाखे कौन कौन से हुए थे वो भी हम देखेंगे। ओके गाइज, तो बने रहिए मेरे साथ नेक्स्ट वीडियो पे। ठीक है, थैंक यू।